विधायक सीमा का बयान। केंद्र सरकार के द्वारा किसान अध्यादेश पर पूरे देश में किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इस बिल को लेकर नाराज चल रहे शिरोमणि अकाली दल के द्वारा केंद्र में एनडीए से 22 साल पुराना गठबंधन तोड़ने के बाद काशीपुर विधायक और शिरोमणि अकाली दल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हरभजन सिंह सीमा के विपक्ष के द्वारा इस्तीफे देने के मुद्दे पर हरभजन सिंह सीमा ने अपना पक्ष रखा। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की पुराना रिश्ता है, लंबे समय की रिश्ता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई गांठ वांठ नहीं थी जो खुल जाए। और बादल साहब बहुत ही हमारे सम्मानित प्रकाश सिंह बादल जी, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, ये कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की ये जो मेल है ये दिलों का मेल है, ये दो रस्सों की गांठ नहीं है, दिलों का मेल। अब ये केंद्र से जो किसानों के प्रति जो एक 3 रूलिंग्स बनी हैं उसमें किसान खुश नहीं है, इसलिए पंजाब और हरियाणा दो प्रदेश ऐसे हैं जो खेती पे आधारित है, वहाँ हर खेती किसान जो है वो खेती पे है, सरकार खेती पे, सब चीज़ खेती पे आधारित है। और आप भी ये भी मानेंगे कि भाई किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए किसान के प्रति आंख मूंद लेना ये अच्छी राजनीति नहीं है। मूंद बीजेपी इन आंख बीजेपी ने भी बंद नहीं की, उसमें कुछ हो सकता है कि किसान की भलाई के लिए ही सोचा गया हो, लेकिन अगर उसका प्रभाव अच्छा फॉर द टाइम भी ना पड़ रहा हो तो उस पर विचार उन्हें कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसान अपना ही तो है, पार्टी भी, सरकार भी, किसान भी, सब अपने हैं। इस वजह से अब उस पर विचार पुनर्विचार मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद पुनर्विचार हो जाएगा। और क्योंकि ये अकाली दल ने कोई ऐसा नहीं किया है कि भाई हमने हमेशा के लिए मतलब साथ छोड़ा, वो एक इशू के ऊपर, तो ये इशू अगर ख़त्म हो जाएगा तो रिश्ता फिर पुनः बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संशोधन की ज़रूरत है तो लगता है, लेकिन नियम तो आपने भी देखा है, जो अध्यादेश आया है वो सबको पता है, आपको मालूम है, कैसी सुधार की जरूरत है? ऐसा है, कुछ जरूरत तो अभी मतलब अगर नज़र आदमी की जो है ना, मन से जिधर को झुक जाएगी उधर को उसका विचार बन जाएगा। इस वजह से किसानों को जो बोल रहे हैं, महसूस ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस समय किसानों को बरगला रही है। अगर मान लीजिए उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत 4 आने 6 आने है तो उसको रुपया 1.25 रुपया बना करके किसानों के मनों को बिगाड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने फिर उन्हें यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को किसानों के साथ मिल बैठ करके वार्ता करके इस विषय का हल निकाल लेना चाहिए। क्या नहीं, मैंने तो नहीं सुना क्या माँ विधायक जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा मेरी बात तो कोई मैंने ना पढ़ा और ना सुना, ऐसी बात तो है नहीं। और अगर मान लो वो कहेंगे भी तो वो अपोजिशन है भाई, अपोजिशन का काम क्या है, यही किया करती है अपोजिशन, जरा से मतलब मुद्दा पकड़ा और मतलब 1 किलो का मुद्दे को 1 क्विंटल का बना दिया तो इसलिए अगर वो कहेंगे भी तो कोई बात नहीं, अपना वो कहें, लेकिन यहाँ उनके पांव लगने वाले नहीं हैं, ये मैं आपको वादे से कह रहा हूँ कि काशीपुर में आम आदमी का पांव नहीं जम पाएगा। पार्टी जो देश लेवल की बड़ी पार्टी थी,
जिसको आज़ादी दिलाने में भी जिसका नाम माना जाता है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, इंदिरा गांधी रही, जवाहरलाल नेहरू रहा, सारे बड़े लीडर थे। वो कांग्रेस मजबूत पार्टी जहाँ का लीडर नरेंद्र दत्त तिवारी था, आशीपुर से चुनाव लड़ा। पहले उन्होंने चुनाव लड़े, फिर उसके बाद हमारे केसी बाबा, और उसके बाद फिर उन्होंने ये हमारे वो थे क्या नाम था यार उनका, डेथ हो गई जिनकी, गुड़िया, सत्येंद्र चंद गुड़िया जी, ये भी थे। तो आप देखिए 2002 में मैं पहली बार आया था चुनाव जीत करके, और उसके बाद हमने उसी चुनाव में हमने केसी बाबा को हराया, उसके बाद सत्येंद्र चंद गुड़िया को हराया, उसके बाद हमने दो लेडीज जो थी उनको हराया, फिर ये जो बेचारे डेथ हो गई अभी, हाँ जी मुकेश मेहरोत्रा को हराया। तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी को जब हमने मतलब ये तारे मतलब जमीन चटा दी, तो ये आम आदमी पार्टी क्या चीज़ है हमारे सामने, यहाँ काशीपुर में पहुँच जाने वाले नहीं हैं उनके, वो भूल जाएं और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा जो थोड़ा बहुत मतलब ख़राब ज़मीन पर बिछा के गंदा करेंगे ना करें, अच्छी बात होगी।